नमस्कार दोस्तों, आज मैं अपने वीडियो के द्वारा आपको बताने जा रही हूँ कि ऐसे कौन सी चीज़ें हैं जिन्हें आप शैम्पू में इस्तेमाल करके बालों को लंबे, घने और चमकदार बना सकते हैं। मुझे आज भी याद है बचपन में मेरी माँ किस तरह हमारे बालों की देखभाल किया करती थी। मेरे बाल घने, मुलायम, लंबे और चमकीले बने रहे और बालों से पोषण दूर ना हो इसके लिए वो कई तरह के घरेलू तरीके अपनाकर बालों की देखभाल किया करती थी। कभी बालों में दही लगाना, कभी आंवला, रीठा, सीकाकाई के मिश्रण को बनाकर उससे हमारे बाल धोना। यकीनन ये घरेलू और प्राकृतिक तरीके बहुत ही कारगर सिद्ध होते थे और जिससे हमारे बालों में बहुत ही अच्छा प्रभाव दिखाई देता था। लेकिन अब समय बदल गया, लोगों की भागदौड़ भरी ज़िंदगी में अब प्राकृतिक चीज़ों की जगह बाहरी उत्पादों ने ले ली है। अब लोगों के घरों का हिस्सा बन चुका है शैम्पू। आज के समय में ऐसा कोई घर नहीं होगा जहां शैम्पू का इस्तेमाल ना किया जाता हो। यही कारण है कि शैम्पू में मौजूद केमिकल के कारण लोगों के बाल खराब हो रहे हैं और दिन पर दिन बाल झड़ने की समस्या से हर इंसान परेशान है। जैसा कि हमने आपको बताया कि शैम्पू अब हर घर में अपनी जगह मजबूत कर चुका है, इसलिए इसे छोड़ना बहुत ही मुश्किल हो गया है। तो ऐसा क्या किया जाए कि आप शैम्पू भी इस्तेमाल कर लें और आपके बालों को किसी भी प्रकार का कोई साइड इफ़ेक्ट ना पहुँचे। तो आज मैं अपने वीडियो के द्वारा आपके इसी सवाल का जवाब लेकर आई हूँ कि आपको कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो शैम्पू के साथ इस्तेमाल करनी चाहिए, जिससे कि आपके बाल तो अच्छे रहे ही साथ में सर की त्वचा भी काफ़ी हद तक सही रहे। तो आइए जानते हैं ये कौन सी चीज़ें हैं जिनका इस्तेमाल आपको करना है। शैम्पू में मिलाए गुलाब जल। आजकल आपने देखा होगा कि बहुत से लोग होते हैं जिनके सर में खुजली की समस्याएँ होती है और इस वजह से कई बार लोगों के सामने उन्हें शर्मिंदगी भी उठानी पड़ती है। अगर आपको भी सिर में खुजली की समस्या है तो आप अपने शैम्पू में एक ढक्कन गुलाब जल डालें और इसे सिर धोएं। इससे आपको सिर की खुजली में आराम मिलेगा और साथ में सर की स्किन में भी काफ़ी हद तक किसी भी प्रकार की जो भी समस्याएँ होगी उससे आपको निजात मिलेगा। लेवेंडर का तेल इस्तेमाल करें। इसके अलावा बालों को और भी चमकदार बनाने के लिए अपने शैम्पू में लेवेंडर तेल की कुछ बूंदें डालें। लेवेंडर के तेल से आपके बालों की ग्रोथ और भी अच्छी रहेगी। इसके अलावा इससे आपको दिमागी रूप से भी काफ़ी शांति मिलेगी। अगर आपको किसी भी प्रकार का कोई भी तनाव है तो अपने शैम्पू में लेवेंडर ऑयल की कुछ बूंदें डालें। आपको मानसिक रूप से काफ़ी आराम मिलेगा और आप तरोताज़ा महसूस करेंगे, साथ में आपके बाल भी स्वस्थ रहेंगे। नींबू का रस मिलाएं शैम्पू में। आप अपने शैम्पू में थोड़ा सा नींबू का रस मिलाएं, इससे आपके बाल और भी अच्छी तरह साफ होंगे। जो लोग बहुत ज़्यादा उत्पादों का इस्तेमाल करते हैं यह उनके लिए काफ़ी फायदेमंद होता है, क्योंकि ऐसा करने से उनके सिर पर जमी गंदगी दूर हो जाती है। अगर आपको लगे कि आपके बालों में लगी क्रीम या तेल नहीं जा रही है तो अपने शैम्पू में नींबू का रस मिलाएं और इससे अपने बालों को धोएं, फिर देखें कमाल। एलोवेरा जेल। एलोवेरा के फायदे से तो आप सभी रूबरू हैं, तो आप अपने शैम्पू में एलोवेरा जेल मिलाएं और देखें कि सिर की स्किन में होने वाली खुजली कैसे छुमंतर हो जाती है और किस प्रकार से आपको अपने बालों में फ़र्क महसूस होता है। इसके अलावा एलोवेरा जेल से बालों का झड़ना भी रुकता है। अगर आप बालों से झड़ने की समस्या से काफ़ी परेशान हैं तो आप एलोवेरा जेल को इस्तेमाल में लाकर अपनी इस समस्या से निजात पा सकते हैं। शहद का करें इस्तेमाल। आजकल बालों में रूखेपन की समस्या से हर दूसरा व्यक्ति परेशान रहता है। अगर आप भी अपने रूखे बालों की समस्या से परेशान हैं तो अपने बालों में शैम्पू के साथ एक चम्मच शहद का इस्तेमाल करें। इससे आपके सिर के सभी बैक्टीरिया भी नष्ट हो जाएंगे और बालों में चमक भी आ जाएगी। लेकिन ध्यान रहे कि शहद चिपचिपा होता है, इसलिए बालों पर इसका इस्तेमाल करते समय आप बाल ठीक तरह से धोएं ताकि यह आपके बालों में चिपचिपाहट न छोड़े और आपके बाल स्वस्थ रहें।